हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी क्या है प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ़ द कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्प्रेरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो है टेम्प्रेरी बेसिस पे वॉट इज़ सेकेंडरी मेमरी जो सेकेंडरी मेमरी है इज रेफर टू एज अ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस विच यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेसन परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली बेसिस पे स्टोर होती है चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बीच में डिफरेंस प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में फर्स्ट डिफरेंस इज़ प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन एज बैकअप मेमोरी और ऑगजीलरी मेमोरी यानी कि एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑगजिलरी मेमोरी किसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को या सेकेंडरी मेमोरी को तो आंसर होगा सेकेंड्री मेमोरी को ऑगजिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को ही कहते हैं नेक्स्ट डिफ्रेंस इज प्राइमरी मेमरी इट इज़ वोलरटाइली नेचर वोलर टाइल नेचर का मीनिंग यहाँ पर ये यह है कि इसके जो कंटेंट्स हैं वो आर लोस्ट हो जाते हैं वेन द डिवाइस पावर ऑफ जो सेकेंडरी मेमरी है इट इज़ नॉन वोलरटाइल इन नेचर इट मीन्स डैट इसके जो कंटेंट्स हैं वो रिटेन वो बने रहते हैं इवन इफ़ द डिवाइस पावर ऑफ अगर डिवाइस की पावर ऑफ भी होगी तब भी इसके कंटेंट्स जो हैं वो बने रहेंगे वो लॉस्ड नहीं होंगे नेक्स्ट डिफ्रेंस जो प्राइमरी मेमरी है वो एक्सपेंसिव है कॉस्ट के कंसर्न में प्राइमरी मेमोरी जो है वो एक्सपेंसिव है और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो इनएक्सपेंसिव है यानी कि वो चीपर है व्हेन कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी जब हम उसे प्राइमरी मेमोरी के साथ कंपेयर करते हैं जो सेकेंडरी मेमोरी के जो डिवाइस है वो इनएक्सपेंसिव है वो चीपर है तो अभी तक मैंने थ्री पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को हम बैकअप मेमोरी कहते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं जो प्राइमरी मेमोरी है वो वोलाटाइली नेचर में है और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलाटाइली नेचर में है प्राइमरी मेमोरी जो है वो एक्सपेंसिव है और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो चीपर है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी एंड द नेक्स्ट डिफरेंस प्राइमरी मेमोरी इट कैन बी असेस बाय आर डेटा बर्स तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसे हम असेस करते हैं बाय डेटा बर्थ और जो सेकेंडरी मेमोरी है इट कैन बी असेस यूजिंग इनपुट आउटपुट चैनल्स तो एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनपुट आउटपुट चैनल से किसे असेस किया जाता है तो वो है सेकेंडरी मेमोरी और डेटा बर्थ से असेस किया जाता है प्राइमरी मेमोरी को नेक्स्ट डिफरेंस इज दिस मेमोरी हैज़ फास्ट एसेस टाइम तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसका जो एसेस टाइम है वो फास्ट है और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका लो एसेस टाइम है लो एसेस टाइम है सेकेंड्री मेमोरी का और फास्ट एसेस टाइम है प्राइमरी मेमोरी का नेक्स्ट डिफ्रेंस इज प्राइमरी मेमोरीज आर सेमी कंडक्टर मेमरीज तो जो सेमी कंडक्टर मेमरीज है वो है प्राइमरी मेमरीज और जो मैगनीटिक मेमरीज है वो है सेकेंडरी मेमरीज सेकेंडरी मेमरीज आर मैग्नेटिक मेमरीज और प्राइमरी मेमरीज जो है वो आर सेमीकंडक्टर कन्डक्टर तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर मेमरीज हैं प्राइमरी मेमरीज और जो मैग्नेटिक मेमरीज हैं वो है सेकेंड्री मेमरी नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स प्राइमरी मेमरी के एग्जाम्पल्स है रैम रोम एंड कैचे मेमरी और सेकेंडरी मेमरी के एग्जाम्पल्स हैं हार्ड डिस्क एंड फ्लोपी डिस्क हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमरी के प्राइमरी मेमरी को हम असेस कर सकते हैं बाय अ डेटा बस और जो सेकेंडरी मेमरी है उसे हम असेस करते हैं यूजिंग इनपुट आउटपुट चैनल्स जो प्राइमरी मेमरी है उसका असेस टाइम जो है वो फास्ट है और सेकेंडरी मेमरी का असेस टाइम जो है वो लो है प्राइमरी मेमरीज जो है वो है सेमी कंडक्टर मेमरीज और जो सेकेंडरी मेमरी है वो है मैग्नेटिक मेमरीज एग्जाम्पल्स प्राइमरी मेमरी के वो है रैम रोम एंड कैचे मेमरी और जो सेकेंडरी मेमरी है उसके एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क एंड डिस्क नेक्स्ट डिफरेंस प्राइमरी मेमरी इज डायरेक्टली असेसिबल बाय सी पी यू प्राइमरी मेमरी को हम डायरेक्टली असेस कर सकते हैं बाय सी पी यू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से लेकिन जो सेकेंडरी मेमरी है उसे हम डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते बाय सी पी यू तो यानी कि जिसे हम डायरेक्टली असेस कर सकते हैं बाय सी पी यू वो है प्राइमरी मेमोरी और जिसे हम डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते बाय सी पी यू वो है सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज के कंसर्न में प्राइमरी मेमोरी जो है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है और जो सेकेंडरी मेमोरी है वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके पास वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमरी मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था प्राइमरी मेमरी जो है वो मेन मेमरी है कंप्यूटर की जिसका हम यूज़ करते हैं स्टोर करना इन्फॉर्मेशन को टेम्प्रेरी प्राइमरी मेमरी इज़ द मेन मेमरी ऑफ़ द कंप्यूटर विच इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेसन टम्प्रेरली सेकेंडरी मेमरी रेफर्स टू एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसिस डाटा यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली यानी कि प्राइमरी मेमरी में हम जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो टेम्प्रेरी बेसिस पे होते हैं सेकेंडरी मेमरी में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो परमानेंटली बेसिस पे होती है तो ये थे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमरी और सेकेंडरी मेमरी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करे, करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन इस चैनल की आप तक पहुंच जाए थैंक यू